हमारे घर में बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो वह बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर में बदल सकता है। वो कैसे, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10 नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, जो कि बहुत ही ईजी है। एंड मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा और आज भी वही करूँगी, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हम अपना बहुत सारा काम डायरी में नोट डाउन करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, या फिर अपने घर के सारे हिसाब लिखते हैं। इन सब के बीच कभी हमें पेन की ज़रूरत होती है, हाइलाइटर की या एक्स्ट्रा नोट की, तो इन्हें कैसे हैंडी रखा जाए? क्या बार बार सारी चीज़ों के लिए डिस्टर्ब होना सही है? नहीं। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, आप इस तरीके का एक पाउच ले सकते हैं एंड उसमें आप ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जो कि आपको लगता है कि मुझे अपने काम करने के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। बस इसे अपने डायरी के बैक साइड पर या इनसाइड पोर्शन पर इस टाइप से डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका लीजिए एंड इस तरीके से आप सारी चीज़ों को एक साथ हैंडी रख सकते हैं। टेप के एंड्स का खोना बहुत ही कॉमन बात है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? यहाँ पे हम ले सकते हैं एक चूड़ा पिन, एक रबर बैंड। चूड़ा पिन को टेप के अंदर इंसर्ट करके टाइटली इस तरीके से सिक्योर कर दीजिए एंड आप जैसे जैसे अब टेप को मूव करेंगे उसी के साथ साथ आपकी ये चूड़ा पिन भी मूव होगी और जहाँ पर आप रुकेंगे वहीं चूड़ा पिन भी रुक जाएगी। इस तरीके से आप इजिली अपने टेप के एंड्स को बार बार ढूंढ सकते हैं। इस तरीके के जो शॉपिंग बैग होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं एंड हम इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे एक टाइल्स लगी हुई है उन्हें निकाल लिया है। इन टाइल्स को भी आप ना फेंकें, इन्हें भी आप एज अ शू लेसेस यूज़ कर सकते हैं एंड तो बैग के एक साइड पर मैंने डबल साइडेड टेप को स्टिक किया है एंड मैं इसे अपनी एक वॉल पर स्टिक कर दूंगी एंड इसे मैं अपने वर्टिकल स्पेस को यूज़ करूंगी। यहाँ पर मैं उन चीज़ों को रख रही हूँ जो मुझे रोज़ में हैंडी होती है, जैसे हमारी जो बहुत सारी डायरीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे नोटपैड होते हैं, कोई बुक जो हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं उसे हम ऐसे रख सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपनी छोटी सी टू डू लिस्ट या ग्रॉसरी लिस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक है ये ड्राई फ्रूट बॉक्स जो मुझे किसी ने दिवाली पर गिफ्ट किया था, बट वो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैं इसे और कहीं तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप कोई पुराना मसाला बॉक्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी चीज़ों को इसमें डाला है जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे कि जो क्राफ्ट आइटम्स होते हैं एंड आप यहाँ पर कोई स्टिचिंग मटेरियल्स होते हैं ना, छोटे मोती बटन्स वगैरह को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बॉक्स रिमूवेबल है, तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से काम है तो आपको पूरा बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास है ये एक स्टॉकिंग जिसका एक पेयर पता नहीं कहाँ मुझसे गुम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ इसको फेंकने की जगह कुछ रीयूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से कट कर दिया है एंड मैं इसे एज अ रबर बैंड यूज़ करूँगी। इसमें बहुत अच्छी सी इलास्टिसिटी होती है, आराम से ये रबर बैंड की तरह काम कर सकता है। Mama, it is so beautiful. You like it? Yes. इसे आप अपने किचन में अपने ओपन पैकेट्स को सील करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपने ये टॉय ज़रूर से ज़रूर खरीदा होगा। बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में इसे यूज़ किया और फेंक देते हैं। तो क्या हम इसकी बॉटल को रीयूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे करना है बस एक छोटा सा काम। इसमें पानी भर के आपको इस तरीके से डबल साइडेड टेप की हेल्प से अपने फ्रिज वॉल पे या फिर किसी भी वॉल पे स्टिक कर देना है, एंड आप प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी इंडोर प्लांट को। यहाँ पर मैंने इसमें मनी प्लांट डाला है। मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना सुंदर लग रहा था। मुझे नहीं पता आपको वीडियो क्लिप्स में कैसा लग रहा है, पर आप इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस गर्मी में सनग्लासेस की सबको ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हम बिना सनग्लासेस के बाहर नहीं निकल सकते। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर एक DIY। यहाँ पर लिया है मैंने एक पुराना डेस्क कैलेंडर। तो यहाँ पे जो ऊपर के इसके पेजेस हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगी। तो सारे पेजेस को रिमूव करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये बेस होल्डर रह जाता है। तो इसे थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैंडमेड शीट लिया है और इसे फेबिकॉल की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये था तो वाइट कलर का बट इस पर थोड़े से निशान थे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपके पास ऐसी हैंडमेड शीट नहीं है तो आप यहाँ पर गिफ्ट रैपिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप कोई फैब्रिक का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ली है जूट रोप, एंड जूट रोप को मैं पीछे सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर दूंगी, एंड ये इस तरीके से यहाँ पर स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आप अपने सनग्लासेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी किसी फोटो को भी इस पर हैंग कर सकते हैं। चार्जर की ऐसी हालत होना हर घर की कहानी है और ये बहुत ही आम बात है। तो क्या इसे फेंक दिया जाए? नहीं, हम इसे रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉ, एंड आप स्ट्रॉ को इस तरीके से बीच में कटर की हेल्प से कट कर लीजिए। कट होने के बाद आपको इसे चार्जर के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो बस हो गया आपका चार्जर बिल्कुल नया। अगर आप DIY लवर हैं एंड पेंटिंग लवर हैं तो आपके पास ऐसे ब्रशेस ज़रूर होंगे। तो इनकी टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वही स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉ को इस तरीके से इंसर्ट करके इनकी टिप को मुड़ने से और डैमेज होने से बचाया जा सकता है। आज मैंने अपने घर के सारे जो भी वायर्स थे, सारी चार्जिंग केबल्स थी, उनको एक जगह इकट्ठा किया। ये इधर उधर बहुत जगह पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इन्हें एक सही वे में ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पर ये एक DIY मैंने बनाया था, आप लोगों से शेयर भी किया था। ये कप के बॉक्स जो हमें बाज़ार से मिलते हैं उनके साथ मैंने ये बनाया था। तो हम इसमें आप अपने चार्जर्स केबल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी केबल्स हैं आप उन्हें इस अपने तरीके से फोल्ड कर लीजिए, जिस तरीके से भी आपको सूटेबल लगता है। तो मैं यहाँ पर ईयरफोन्स को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर उन्हें सिक्योर करने के लिए रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने तरीके से इन्हें किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे एयरफोन, सारी चार्जर्स केबल्स जो थी और जो भी लीड्स थी उन्हें इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, एंड मैंने इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पर आप लेबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि लेबलिंग करने से क्या होगा कि अभी तो आपको अच्छा लगेगा और बाद में आपको पता रहेगा कि कौन से बॉक्स के कौन से सेक्शन में आपको दोबारा उस चार्जर को यूज़ करने के बाद वापस रखना है। तो यहाँ पे फ्री में हमने बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है और ये ऊपर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ऊपर से भी आप इसमें लेबल लगा दें जिससे आपके फैमिली मेम्बर्स को पता रहे कि इसमें आपको क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।